त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत में मुद्रा पूर्ति की माप। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो विद्यालय शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कॉलेज की परीक्षा की दृष्टि से हो, और चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से हो। इससे क्या होता है, लगभग प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि भारत में मुद्रा पूर्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो बात आती है मुद्रा की पूर्ति, तो मुद्रा की पूर्ति से पहले जो आता है वो आता है मुद्रा की मांग। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मांग की जाती है, आप सामान्य रूप से देखते हैं, हम जितनी भी प्रकार की वस्तुएं परचेज करते हैं मार्केट के अंदर से, वह पैसों के माध्यम से ही क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इसलिए जो मनी है वो क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, या उसके और भी कार्य हैं। तो सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो हम मांग करते हैं वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को परचेज करने के लिए करते हैं। तो ये हुई मुद्रा की मांग। लेकिन मुद्रा की मांग तो हम करते हैं, लेकिन मुद्रा की सप्लाई भी होना क्या है, बहुत जरूरी है। यदि मुद्रा की पूर्ति नहीं होगी तो फिर मुद्रा की मांग हम करेंगे लेकिन वह पूरी नहीं होगी। तो जो मुद्रा की पूर्ति है इंडिया के अंदर, वह RBI के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि भारत में जितनी भी प्रकार की मुद्राएं होती हैं या सिक्के होते हैं वो सारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। लेकिन जो मुद्रा पूर्ति की माप है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको चार भागों में बांटा है, अर्थात RBI की दृष्टि से मुद्रा पूर्ति की जो मापे हैं इंडिया के अंदर वह चार उसने निर्धारित किए हैं। कब से किए हैं उसने, देखे सन 1977 से। अब वे चार मापे कौन कौन सी हैं, वे मापे हैं M1, M2, M3 और M4। तो इस प्रकार से ये भारत में मुद्रा पूर्ति की चार मापे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि पहले बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। M से लेकर 4M है, तो M1 अलग है, M2 अलग है, M3 अलग है और M4 क्या है, अलग अलग है। अब यहां पे जानते हैं कि जो M1 है, M1 में क्या आता है, ठीक है, ये मुद्रा पूर्ति की सबसे पहली माप है M1। तो M1 में आता है नंबर एक, जनता के पास पत्र मुद्रा और सिक्के, शॉर्ट में लिखेंगे उसको सी। सी फॉर होता है करेंसी और सी फॉर होता है कोइन, इसलिए जो पत्र मुद्रा है इसको करेंसी नोट कहते हैं और जो सिक्के हैं उसके लिए सी का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पे जैसे जनता के पास पत्र मुद्रा, जनता कौन है, देश में निवास करने वाले लोग के पास जितनी भी मुद्रा है, ठीक है, वो उनके पास है, घर में रखी हुई है, जहां भी रखी हुई है, ठीक है, लेकिन वो कैसी है, नकद रूप में उनके पास है, कैश के रूप में उनके पास है, या हमारे पास है या तुम्हारे पास है, तो उसे कहते हैं जनता के पास पत्र मुद्रा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्या होता है, घर में पैसा रखा रहता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना बहुत जरूरी है घर में, इसलिए हर व्यक्ति का क्या रहता है, अपने पास पैसा रखा रहता है। ओके, तो ये हो गया जनता के पास पत्र मुद्रा, जनता मीन्स लोग भी लिख सकते हैं कि लोगों के पास जो पत्र मुद्रा है और जो सिक्के हैं कोइन, चाहे वो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, ठीक है, या 10 रुपए का जो कोइन इंडिया में चलती है वो सिक्के आते हैं। तो इसलिए M1 में सबसे पहले आया जनता के पास पत्र मुद्रा। ओके, और इसी के साथ है RBI के पास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास अर्ध वित्तीय संस्थाएं और विदेशी केंद्रीय बैंकों के चालू खाते का पैसा इसके पास रहता है, तो वो आता है RBI के पास, जैसे IDBI, ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो पैसा है
ये भी आरबीआई के पास है। तो इस प्रकार से आरबीआई के पास जो हमने लिखा कि जो मुद्रा जमा रहती है, जैसे आईडीबीआई है या आईएफसीआई है या जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं या जो विदेशी बैंक है, केंद्रीय बैंक, उनका जो पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास है, वो भी क्या होता है, M1 में शामिल होता है। और अन्य जमाएं मीन्स कि बहुत सारा पैसा क्या होता है, लोग बैंक में जमा नहीं करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो जो लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रहता है या फिर आपका करंट अकाउंट में नहीं रहता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, यदि ज़्यादा पैसा जिनके पास है तिजोरी में भरा हुआ है, जैसे ब्लैक मनी क्या होती है, क्रिएट होती है, तो वह अन्य जमाओं में शामिल होता है जिसकी कोई गिनती नहीं हो रही है, ठीक है, जो बैंक में भी जमा नहीं है, सरकार को इसके बारे में ज़्यादा कोई मालूम नहीं है, तो इसको रखा है ओडी अर्थात अदर डिपॉजिट्स। तो इस प्रकार से एक और दो किसमें आ गई, M1 में आ गई, ठीक है। तो जो M1 है इसको क्या कहा जाता है, सॉल्ट में M1 को कहा जाएगा M1 इज इक्वल टू सी फॉर कॉइन एंड करेंसी, डी फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, और ओडी अदर डिपॉजिट। इस प्रकार से सॉल्ट में M1 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ओके। लेकिन जो M1 है यह मुद्रा का सबसे संकुचित माप है, सबसे नेरो मेजरमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें केवल जनता के पास जो पत्र मुद्रा और सिक्के हैं या फिर जनता की बैंकों में जो मांग जमाएं हैं या आरबीआई के पास पैसा है या अन्य जो जमाएं हैं वो इसमें रखी गई है, इसलिए यह मुद्रा पूर्ति का क्या है, सबसे संकुचित माप है, सबसे संकुचित माप है, कौन, M1, ओके, याद रखना है सबसे संकुचित माप है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो M1 है इसको सबसे तरल मुद्रा कहते हैं, क्या कहते हैं M1 को, सबसे तरल मुद्रा। तो यह जो है सबसे तरल मुद्रा है, माप अलग सी हुई और मुद्रा अलग है। तरल मुद्रा क्यों है, क्योंकि जनता के पास जो रुपये पैसे उसके पास हैं उसको क्या कर सकता है, कभी भी खर्च कर सकता है जब भी उसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसके जेब में रखा हुआ हो, बैंकों में उसका पैसा जो जमा है चालू खाता या बचत खाते के रूप में उसको वो आसानी से निकाल सकता है, तो इसलिए M1 को सबसे तरल मुद्रा भी कहते हैं कि व्यक्ति जब चाहे उसको खर्च कर सकता है, अर्थात व्यक्ति के जेब में रखा रहता है और बैंक में जाएगा तो तुरंत उसको निकाल सकता है। तो ये हो गया M1। M1 के बाद आता है M2। M2 में क्या शामिल है, M1 तो अर्थात ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई वो M1 पहला हो गया, और दूसरा इसमें एक चीज और जोड़ दी, वो जोड़ दिया डाकघरों में मांग जमाएं, अर्थात जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं खाते में, तो सेविंग डिपॉजिट, तो डाकघरों में लोगों का जितना भी पैसा जमा है उनके खाते में, वह M2 में शामिल हो गया, ठीक है। M2 में क्या शामिल कर दिया, M1 के साथ एक और जोड़ दिया, पोस्ट ऑफिसों की सेविंग डिपॉजिट को रख दिया इसमें, ओके। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, M2 में क्या जाएगा, M1 अर्थात पहला वाला उठा के यहीं रख दिया और एक नई चीज जोड़ दी, SD, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ओके। तीसरी जो माप है वो है M3। M3 में क्या है, M1 अपनी जगह यहां भी उतर के आ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया कि व्यापारिक बैंकों में, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक कौन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसी प्रकार तमाम प्रकार के जो बैंक है वो सारे क्या है, व्यापारिक बैंक है। इसी प्रकार से देखते हैं जैसे सहकारी बैंक है, जैसे जिला सहकारी बैंक हो गया, बहुत सारे जिलों में है, तो सहकारी बैंकों में लोगों का पैसा जो है जमा होता है, एक तो होता है चालू खाते में और एक होता है बचत खाते में। अगला जो खाता होता है एक होता है सावधि जमा खाता, जिसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, और FD का नाम आपने सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो लोग क्या करते हैं कि व्यापारी बैंकों में या जो सहकारी बैंक में है एक निश्चित समय के लिए अपना पैसा क्या करते हैं या अपना धन बैंक में जमा करते हैं, और उस धन पर जो बैंक है
उनको एक निश्चित ब्याज की दर देता है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट है जो यहाँ पे आ रहा है कि मांग जमा में, तो मांग जमा में जो ब्याज की दर होती है वो बहुत कम होती है, वर्तमान में देखें तो 3% है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एफडी में होती है ब्याज की दर वो क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एफडी के साथ क्या होता है, एफडी का पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एफडी क्या होती है, किसी के एक साल के लिए होती है, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, चार साल के लिए, पांच साल के लिए, दस साल के लिए होती है। तो आप एक निश्चित समय पूरा होने पर ही उस पैसे को निकाल सकते हैं, या आपने उसको बीच में क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, उसको क्लोज करना है, आपको जरूरत पड़ गई तो उसका पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो ब्याज की दर मिल रही थी और जब उसको पूरा होना था मैच्योरिटी पे, आपको जितना पैसा मिलना था उतना नहीं मिलता है, थोड़ा इसको निकालने में दिक्कत हो जाती, समय लगता है। ओके, तो इस प्रकार से M3 में क्या हो गया, M1 यहां भी जुड़ा, 2 में भी जुड़ा, मैं भी जुड़ा, ठीक है, 2 वाले माप में और 3 माप में भी M1 जुड़ गया। और अंतिम जो माप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की गई है M4, तो M4 में क्या शामिल कर रखा है, चौथे नंबर की माप में M3, अर्थात M3 वाला ये उतार के नीचे रख दिया और दूसरा जोड़ दिया डाकघरों में सावधि जमा या समय जमा, अर्थात पोस्ट ऑफिसों में भी लोगों को क्या होता है, टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिसों में भी एफडी खोली जाती है लोगों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिसों में भी एफडियां होती है। तो चौथी जो माप है M4 उसमें शामिल कर दिया M3, और एक चीज और जोड़ दिया उसमें, जितने भी पोस्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर उसमें जितना पैसा है लोगों का टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, समय जमा जो एक निश्चित समय के लिए जमा होता है वो इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से M4 को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे M3 इसमें शामिल हो गया प्लस TDP टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इस प्रकार से भारत में मुद्रा पूर्ति की चार माप हो गई, ओके, M1, M2, M3 और ये M4, ठीक है। अब देखिए भारत में मुद्रा पूर्ति की मापे जैसे हमने बताई 1, 2, 3, 4, अब ये जो चार मापे हैं ये भारत में कब से शुरू की गई, ये मैंने आपको बताया 1977 से। अब इसी में हमने आपको बताया कि जो सबसे तरल मुद्रा है जिसको व्यक्ति, जो व्यक्ति के पास ही समझिए है, जिसको व्यक्ति हर समय खर्च कर सकता है, उसके जेब में रखी हुई है, तो वो है M1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने लायक, और इसी को सबसे संकुचित मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, जनता के पास जो रुपया पैसे हैं, ठीक है, और जनता की जो बैंकों में मांग जमाए हैं या जो RBI के पास जमाए या जो अन्य जमाए हैं उनको शामिल कर रखा है, ओके। लेकिन उसके पास तो और डाकघर भी बच गए, ठीक है, व्यापारिक बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है टाइम डिपॉजिट के रूप में या एफडी के रूप में वो भी बच गया, शामिल नहीं है, ओके। तो इसलिए ये सबसे संकुचित माप मानी जाती है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बृहत माप कौन है, ठीक है, जो ब्रॉड BROAD यानी कि जो बृहत या बृहद माप है वो कौन है, वह है M4, यानी कि मुद्रा पूर्ति की सबसे जो बड़ी माप है, क्योंकि इसमें टोटल पैसा आ गया, ओके, तो सबसे बृहद माप मानी गई है M4 को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा पूर्ति की सबसे बृहद माप कौन सी है, तो मुद्रा पूर्ति की भारत में सबसे बृहद जो माप है, विस्तृत जो माप है वह M4 है, क्योंकि इसमें सारा पैसा आ गया, ओके। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे जो बृहद मुद्रा है वो कौन सी है, माप अलग चीज हुई और जो बृहद मुद्रा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वह M3 है, यानी कि सबसे जो व्यापक मुद्रा है, ठीक है, व्यापक मुद्रा, व्यापक या बृहद मुद्रा जो है वो कौन सी है मुद्रा, वो है M3, ठीक है, इसको माना जाता है M3 को। तो जो M3 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति होती है जिसमें वो मुद्रा की मांग और पूर्ति को देखता है कि बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति कितनी है, अरे महंगाई तो नहीं बढ़ी,
ठीक है, ये बाजार में रुपयों की कमी तो नहीं हो गई है, तो इसके बीच बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो किसको देखता है इसमें, तो किसी पे नजर नहीं डालता है। भारत में जो मौद्रिक नीति बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो M3 की कंडीशन को देख बनाता है कि बाजार में रुपया ज्यादा है या कम है। ओके, तो यहां पर बैलेंस बनाने का काम करेगा वो किसको देख के, M3 को, ना वो M1 को देगा, ना M2 को, ना M3, ना M4 को। ठीक है, तो भारत की जो मौद्रिक नीति है, जो शाख नीति है, वह RBI के द्वारा M3 की पोजीशन को अर्थव्यवस्था में देखकर की जाती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि भाई 1977 से तो चार मापे थी, तो उससे पहले क्या कंडीशन थी। तो यहां पे देखिए, मार्च 1968 से पहले, ठीक है, या मार्च 1968 तक भारत में मुद्रा पूर्ति की माप में था केवल M1, या उसको कह रहे थे M। ओके, ये थी भारत में मुद्रा पूर्ति की माप, ठीक है, जिसमें ये वाला भाग केवल ए रखा था उस समय। ठीक है, तो ये जो माप है ये काफी संकुचित दृष्टिकोण था। ठीक है, और ये केन्स, जो केन्जन विचारधारा थी, या उससे पहले जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे, वह केवल M1 को ही क्या करते थे, मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल, मार्च के बाद क्या लगता है, अप्रैल लगता है, तो अप्रैल 1968 से क्या किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परिवर्तन किया और M1 के साथ क्या जोड़ दिया, प्लस करके एक चीज और जोड़ दी उन्होंने, कुल मौद्रिक संसाधन, संसाधन ये M1 के साथ उन्होंने जोड़ दिया, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस, ये चीज उन्होंने जोड़ दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1977 आगे चला और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें भी क्या हो रहा है, हिसाब नहीं बन रहा है, बहुत सारी मुद्रा जो है बाजार में या अर्थव्यवस्था में छूट जा रही है, तो उन्होंने उसके बाद चार मापे रख दी। ठीक है, और तब से यही मापे चली आ रही है। तो यहां पे नजर डाली है कि 68 में M1 ही उनके पास था, ये वाला मार्च तक, उसके बाद मानेंगे स्वतंत्रता के बाद से लेकर और यहां तक, उसके बाद आगे बढ़े M1 में, प्लस उन्होंने क्या कर दिया, कुल मौद्रिक संसाधन, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस को भी शामिल कर दिया। तो इस प्रकार से एक बार पुनः देखते हैं यहीं पे कि जो मुद्रा की पूर्ति है उसका अर्थ क्या है। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परिमाण कितना है। ठीक है, कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में कितनी है वह मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। और मुद्रा की पूर्ति की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर कंप्लीट ढंग से बतला दी है। अब अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं कि सबसे जो तरल मुद्रा है, ओके, जिसको आदमी किसी भी समय क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है, सबसे तरल मुद्रा सोना भी नहीं होता उतना सरल। ठीक है, कि यदि हमें क्या पड़े, सब्जी की जरूरत पड़ गई रात में, ओके, या दो चार आइटम की जरूरत पड़ गई और हमें 1 किलो सोना लेके गया, तुरंत कोई हमें देने वाला नहीं है, वो भी यदि वो अलग अलग दुकानदारों के पास भी है, ओके, लेकिन पैसे लेके चले गए तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सोने को भुनाने में भी टाइम लगेगा, मोल भाव करने में दिन चाहिए, हो सकता है कई दिन लग जाए, आपको लगेगा कि भाई अगले सुनार के पास गया, उसने कहा इसका रेट इतना है, अगले के पास इतना है, इतना है, तो इस प्रकार आपको लगेगा ये तो बहुत ही उसमें बिक रहा है, इसलिए आप उससे जल्दी कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे तरल जो मुद्रा है वो है M1, ओके, सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, M1, उसके बाद है M2, उसके बाद है M3, और उसके बाद है M4। समझ रहे हैं कि M1 सबसे तरल मुद्रा है, उसके बाद कम तरलता इसमें है, और उससे कम तरलता इसमें है, और सबसे कम तरलता इसमें है, अर्थात ये कैसा है, घटते क्रम में है, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है सब। तो याद रखने वाली बात है कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, जो कैश के रूप में हमारे पास, तुम्हारे पास, लोगों के पास रहती है, वो है M1, उसके बाद है M2, M3। तो ये क्यों है, ये तुम्हारे पास है, लेकिन M2 के बाद यदि यहाँ चले जाएंगे M2 में, तो डाकघर में डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उसके M3 में आप देखेंगे टाइम डिपॉजिट्स हैं,
इसमें इसको निकालने में टाइम लगता है, ओके। यदि एफडी को क्लोज करना है तो टाइम लगेगा, और इस और नीचे की ओर चलेंगे तो इसमें और क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो तरल मुद्रा को एम वन को सबसे ज्यादा तरल मुद्रा माना गया है, और सबसे कम तरल मुद्रा जो है वह एम फोर है, क्योंकि इसको निकालने में समय लगता है, तुरंत यह मिलती नहीं है, इसलिए इसको सबसे कम तरल मुद्रा कहा, और एम वन को सबसे अधिक तरल मुद्रा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में क्या बताया मैंने आपको, बताया भारत में मुद्रा पूर्ति की माप, कि 1977 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में मुद्रा पूर्ति की चार मापें निर्धारित कर रखी हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि आप इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं तो एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको अगला वीडियो देखना नहीं आता है कि चैनल में कितने वीडियो है। तो इंटरमीडिएट का जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यह बीए का भी मान लें, तो लगभग पूरा का पूरा कोर्स त्रिशूल एजुकेशन पर उपलब्ध है। आपने करना क्या है कि आपके या आपकी जो स्क्रीन है, तो स्क्रीन के नीचे क्या है कि चैनल का नाम आ रहा है त्रिशूल एजुकेशन, आप उस पर क्लिक कीजिए, अगली विंडो खुलेगी, ऊपर से आप देखेंगे होम वीडियो और प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाके आप त्रिशूल एजुकेशन को सर्च कीजिए, और जो फेसबुक पेज है हमारा वह त्रिशूल एजुकेशन के ही नाम से है।